हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास जिसमें हम लोग प्रतिदिन दो सवाल मेंस के लिखने का प्रयास करते हैं। अब तक हम लोगों ने शेड्यूल के हिसाब से लगातार क्लासेस करी हैं, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज वेंसडे है और आज मॉडर्न हिस्ट्री का टर्म, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुड नॉट ब्रिंग स्वराज इन वन ईयर, बट इट डिड गिव अ न्यू डायरेक्शन एंड एनर्जी टू द नेशनल मूवमेंट। कमेंट, असहयोग आंदोलन ने एक वर्ष में स्वराज तो नहीं दिला पाया, लेकिन इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है। वास्तव में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू किया गया था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे प्रोग्राम को सही से फॉलो किया जाएगा तो एक साल में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो ये टारगेट था कि वन ईयर में हमको स्वराज प्राप्त करना है। तो इसी को लेकर प्रश्न किया गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने यद्यपि एक साल में स्वराज तो नहीं पाया, लेकिन नया डायरेक्शन दे दिया नेशनल मूवमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो महात्मा गांधी का पहला नेशन वाइड मास मूवमेंट है इंडिया में, ठीक है। और ये सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर अटैक कर दिया गया, जहां पर कई सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया। इससे नाराज होकर के गांधी जी ने जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे वापस ले लिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है, और कॉल ऑफ कर लिया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक है। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब प्रश्न पर आते हैं जो ये कह रहा है किसने नया राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा दी, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये स्वराज के गोल को तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने कई तरीके से देखे तो बहुत बेनिफिट्स दिए आगे के फ्यूचर के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। जैसे पहला है कि इसने ये दिखाया कि जो वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो किस तरीके से एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकता है। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ एंड सिंपैथी ऑफ द वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द मूवमेंट शो किया इस आंदोलन ने। और इसमें समाज के हर वर्ग, चाहे वो पीजेंट्स हों, वर्कर्स हों, आर्टिशंस हों, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स और व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद द पुअर्स, वर्कर्स इंक्लूडेड है, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसलिए ये एक वाइड मूवमेंट हो गया। पेटल स्प्रेड भी बहुत वाइड है, पूरे देश को लगभग कवर करने कर रहा है ये मूवमेंट। प्लस इसने ये दिखाया कि भारत के जो बहुत गरीब वर्ग है, जो बहुत सारे लोग हैं, गरीब जनता जो है, एक बड़े पैमाने पर वो भी मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाह रही है। और वो एक तरीके से उसमें पार्ट लेकर के जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध खड़ी है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इच्छा रख रही है, डिजायर फॉर नेशनल फ्रीडम रख रही है। इसके साथ साथ ये उनका पहला एक ऐसा कॉन्टेक्ट शो करता है जो कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म को मैच करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस आंदोलन की बड़ी बात यह थी कि इसमें मुस्लिम्स ने बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया और इसने मुस्लिम के पार्टिसिपेशन के कारण एक बड़े पैमाने पर कम्युनल यूनिटी शो कर दी, ठीक है। तो ये एक बड़ा इसका कैरेक्टर था, जहां पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन और यूनिटी शो होती है। इसके साथ साथ इसने ये भी किया कि जो लोकल मूवमेंट्स थे आंदोलन के बाद, लोकल मूवमेंट्स नहीं रुकते, वो लोकल मूवमेंट्स नए मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, जो कंटिन्यू थे वो चलते रहते हैं। जैसे असम में जो टी प्लांटेशन वाले लेबर्स थे ना, वो स्ट्राइक पर चले गए। इसी तरीके से फॉरेस्ट लॉ के लिए आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मूवमेंट हुए। तो एक तरीके से एक नए तरीके से आंदोलन करना लोकल लेवल की डिमांड पर, यहां से इस आइडिया को लोगों ने ग्रैस किया। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, पहली बार किसी नेशनल मूवमेंट में इसने भी इनकरेज किया और इसके सोसाइटी के इंक्लूसिवनेस को शो किया। इसके साथ साथ जो कांग्रेस को लेकर के एक मत था अंग्रेजों का, जो ये कहते थे, जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा था 1888 में कि कांग्रेस क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है,
इस आइडिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस आंदोलन ने। इसमें वुमेन्स भी, लेबर्स भी, प्रोफेशनल्स भी, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इस आंदोलन ने उस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वाले मिथ को तोड़ दिया। इतना हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप क्लियरली बताइए कि हमें स्वराज तो इमीडिएटली नहीं मिला, लेकिन इसने एक डेफिनेट डायरेक्शन दिया फोर्थ कमिंग मूवमेंट्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। वास्तव में देखिए, जो अंग्रेजों का शासन है ना, वो दो तरीके के मिथ पर बेस्ड है, दो तरीके की अवधारणाओं पर बेस्ड है। पहला, अंग्रेज ये हर बार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो शासन है वो इंडियंस के इंटरेस्ट में है, यानी कि वो भारतीयों के लिए शासन कर रहे हैं। और दूसरा, दे आर इनविंसिबल, यानी कि वो अपराजेय है। ठीक है, तो पहला मिथ तो तभी टूट गया जब मॉडरेट्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एस्टैब्लिश कर दिया और ये क्लियर हो गया कि वो हमारे हित के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जो दूसरा मिथ था वो चैलेंज किया गया इस सत्याग्रह मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहां से एस्टैब्लिश हो गया कि जो कॉलोनियल रूल है उसको हराया भी जा सकता है, उसको डराया भी जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न हुआ, इसको आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ द टू कम्युनिटीज। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फॉलोआउट्स ऑफ द पैक्ट्स ऑन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया था, और इससे जो मतलब एक तरीके से ये भी एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक अलग अलग तरीके की मान्यता और सेपरेट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये भी हो गया कि एक दूसरे के जो अलग अलग मान्यता है उनको हम स्वीकार कर रहे हैं। इसके स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभावों की चर्चा करनी है, ये प्रश्न। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ में हुआ, दिसंबर 1916 में। ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू कांग्रेस ने मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट वाले जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर दिया, और इसके साथ साथ कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो मांग थी उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। ठीक है, अब जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट होता उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे वो भी जान लीजिएगा। पहली चीज है कि लीग ने जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के लिए एग्री किया, यानी कि वही जो मैंने कहा कि कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की थी उसमें मुस्लिम लीग ने कहा सपोर्ट करेंगे, और कांग्रेस ने ये कहा कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए है उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि मुस्लिम्स को एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में लेजिस्लेचर्स में सीट्स दी जाएंगी, वो ऑल इंडिया लेवल पर भी होंगी और प्रोविंशियल लेवल पर भी होंगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अब मिल करके अंग्रेजों से क्या मांगे रखी, पहली मांगे रखी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस जो देना है उन्हें वो कितना जल्दी देंगे इसकी घोषणा करके बताएं। दूसरी चीज, जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज होंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर उनको और बढ़ाया जाए, उनमें और एक्सपेंशन किया जाए, और इलेक्टेड लोगों को उसमें शामिल किया जाए ज्यादा, और उन्हें ज्यादा पावर्स दी जाए। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टर्म है वो 5 years किया जाए। ठीक है, जो सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से पे किया जाए, ना कि भारत के फंड से पे किया जाए। ठीक है, और वायसराय और प्रोविंशियल गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम आधे मेंबर्स इंडियन हो। ये ज्वाइंट डिमांड रखी मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर, हमने उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर अंग्रेजों से ये डिमांड मांगी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ समझौता है, वो बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता स्थापित करने का, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या भी बना, क्योंकि यहां से ही वो जो मुस्लिम सेपरेटिज्म के बीज है वो बोए गए, जो बाद में चल के एक अलग मुस्लिम नेशन की डिमांड को के रूप में दिखाई देगी आपको। तो जो प्लांट है, जो सीड है, वो इसी एक्सेप्टेंस से बोया जाना मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके असर क्या हुआ, पहली चीज ये है कि लखनऊ पैक्ट के 3 कर्मिनल पॉइंट समझिएगा।
पहला कमजोर पॉइंट ये कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करेंगे, यानी कि एक कॉन्स्टेंट फिगर नहीं होगा, हर प्रोविंस में अलग अलग फिगर होगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिया जाएगा। तीसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट सभी कम्युनिटीज के लिए दिया जाएगा जब तक कि वो खुद ना कहें कि हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए, तो मुस्लिम के सिवा बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनको भी दिया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, तो ये एक तरीके से दोनों को साथ लाने का प्रयास तो था, लेकिन कांग्रेस ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट को मांग लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इससे एक चीज प्रूव हो गई कि मुस्लिम के इंटरेस्ट और कांग्रेस के इंटरेस्ट अलग अलग है और कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है मुस्लिम्स के इंटरेस्ट का। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हम आपकी उस मांग को मान रहे हैं जिस मांग में आप अलग अपने लिए रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड्स आप समझ नहीं पा रहे, और हमारी डिमांड्स कौन समझेगा, केवल मुस्लिम समझेगा। तो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट अलग, हिंदूज के इंटरेस्ट अलग, ये पहला एस्टैब्लिशमेंट है इस लखनऊ पैक्ट का। ठीक है, और यहीं से टू नेशन थ्योरी का इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग को जब ये पावर्स मिल जाएंगी, जब मुस्लिम्स के लिए ये पावर्स मिल जाएंगी, तो मुस्लिम लीग की अगली डिमांड क्या होगी कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करेगी। ठीक है, तो ये दूसरा बड़ा मुद्दा बन जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ठेका मिल जाएगा एक तरीके से मुस्लिम्स का, मुस्लिम लीग को। तो अब देखिए कि इसने क्या किया, एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी पहचान डिमांड और इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। इसके साथ साथ एक और बड़ी पावर दी गई थी मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को, कि वो वीटो कर सकती है किसी भी बिल को। ठीक है, जो भी पास किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा पास करने के लिए। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या थी कि बाकी कम्युनिटीज केवल तब किसी भी बिल को वीटो कर सकती थी जब वो 3/4 मेजोरिटी पा जाए। ठीक है, 3/4 मेजोरिटी होगी तब वो कर पाएंगे, जबकि मुस्लिम्स का आपको बताया गया उनका 1/3 सीट ही है, तो 1/3 सीट पर ही पूरा वीटो पावर रख रहे थे। तो ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन की पॉलिसी है मुस्लिम्स के लिए, और उनको ये पावर मिल गई कि वो कोई भी चीज रोक सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एड ऑन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ नोट करने के लिए नहीं है, लेकिन आप जानिएगा कि जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो मुस्लिम लीग का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। आप इंटरिम गवर्नमेंट में याद किए होंगे, आप जब आपने ये इंटरिम गवर्नमेंट में पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बन गए, और आप देखेंगे तो कोई भी बिल पास नहीं होने दे रही है मुस्लिम लीग जो इंटरिम कैबिनेट है उसमें। क्यों? क्योंकि इनके पास रोकने की पावर है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो जब आप किसी को ये पावर दे देंगे ना, तो वो समस्या बनता जाएगा। तो ये एक अलग कंटेक्स्ट में था, लेकिन चूंकि इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बताया, आप कंफ्यूजन दे दीजिएगा। तो ये कंट्रोवर्शियल तो था ही था, इसके साथ साथ आप इसे बता सकते हैं कि एक तरीके से कांग्रेस ने गुड इंटेंशन में करने की कोशिश की थी, एक बेहतर नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका दूसरे तरीके से प्रयोग किया। हालांकि इसके कारण हमें फ्यूचर में जब हम खिलाफत मूवमेंट में सहयोग करते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमें सहयोग मिलता है 1920। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एक दो क्वेश्चंस हो गए, आप इसको देखिएगा, कोई डाउट होता है या क्वेश्चन होता है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।